मुरादाबाद पुलिस ने बीबीए छात्र को गिरफ्तार करके चैन लूट की एक वारदात का खुलासा किया है। वारदात में शामिल उसके दोस्त को भी पुलिस ने पकड़ लिया। लूटी गई चैन और घटना में इस्तेमाल की गई बाइक भी पुलिस ने बरामद की है। लूट की घटना मंझोला थाना क्षेत्र में 31 अगस्त को हुई थी। लुटेरों ने मंझोला थाना क्षेत्र में आर्यन स्कूल के पास कल्पना मिश्रा नाम की महिला से चैन लूट ली थी। बुद्धि विहार निवासी कल्पना मिश्रा घटना के समय अपने बच्चों के लिए स्टेशनरी लेकर घर लौट रही थी, तभी पीछे से आए बाइक सवार दो लुटेरों ने झपट्टा मारकर उनसे चैन लूट ली थी। कल्पना ने घटना के बाद लुटेरों का पीछा भी किया, लेकिन वे चैन छीनकर फरार हो गए थे। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मामले में पुलिस ने खुशालपुर निवासी विवेक कुमार गौतम और गुरदीप सिंह को गिरफ्तार किया है। विवेक गौतम बीबीए का छात्र बताया जा रहा है, जबकि उसके साथ पकड़े गए गुरदीप ने ग्रेजुएशन कर लिया है। गुरदीप सिंह पहले भी लूट के मामले में जेल जा चुका है, जबकि विवेक पहली बार किसी अपराध में पुलिस की गिरफ्त में आया है। एसपी सिटी ने बताया कि गिरफ्तार विवेक और गुरदीप के कब्जे से पुलिस ने लूटी गई चैन और घटना में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद की है। अगस्त को घटना हुई थी एक महिला के साथ चैन स्नेचिंग, दो बाइक सवार उन्होंने चैन स्नेच किया था उसका। थाना मझोला पर इस संबंध में एक लूट का मुकदमा पंजीकृत हुआ था और निरंतर उसमें पुलिस एक्टिव थी। एसएसपी सर के निर्देशन में हमारी मझोला पुलिस और सीओ सिविल लाइन्स के द्वारा संयुक्त प्रयास किया गया और एक कामयाबी आज थाना मझोला पुलिस को मिली है। दो व्यक्ति जिन्होंने घटना की थी वो गिरफ्तार हुए हैं, इसमें एक व्यक्ति का नाम विवेक और दूसरा गुरदीप सिंह है। गुरदीप सिंह इससे पहले भी किसी आपराधिक लूट के मामले में पहले भी जेल जा चुका है। इनके कब्जे से जो लूटी गई चैन है वो बरामद हुई है। घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयोग हुई थी वो भी बरामद हुई है। इस प्रकार एक महत्वपूर्ण सफलता है और इससे लूट की घटना पर प्रभावी अंकुश लगेगा। इसमें दो ही व्यक्ति थे, दोनों गिरफ्तारी हुई है। बाकी हम लोग अभी इनसे जानकारी कर रहे हैं कि इसके अतिरिक्त और क्या घटनाएं इन्होंने क्या की हैं, गहराई से पूछताछ की। मुरादाबाद के अलावा अन्य जिलों में अभी इनको पकड़ा गया है। इनकी हम लोग रिमांड लेंगे और इनके सभी टेलीफोन जो डिटेल हैं उन सबके आधार पर गहराई से इनसे पूछताछ की जाएगी। इनके साथ नेटवर्क में और कितने लोग जुड़े हुए हैं, आसपास के जनपदों में भी इनका कार्यक्षेत्र रहा है क्या, इन सब चीज़ों को हम लोग गहराई से पूछताछ के दौरान पता करने का प्रयास करेंगे।